अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाए हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसे खूबसूरत देश के बारे में जिसे अफ्रीका का रत्न भी कहा जाता है। इस देश का नाम है युगांडा। नमस्कार दोस्तों, दुनियादारी चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं इस देश से जुड़े कुछ रोमांचक बातें जो शायद आपको नहीं पता होगी। पूर्व अफ्रीका में स्थित यह छोटा सा खूबसूरत देश जिसे गोरिलाओं का देश भी कहा जाता है, युगांडा में काफ़ी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन यहाँ की राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश है। युगांडा की सरकार अभी तक किसी भी फूल को नेशनल फ्लावर घोषित नहीं कर पाई है। युगांडा की राजधानी कंपाला है, जो कि युगांडा की लार्जेस्ट सिटी है। कंपाला सिटी वैसे तो एक व्यावसायिक क्षेत्र है, लेकिन रात के समय ये एक रेड लाइट एरिया जैसा बन जाता है, जहाँ पर आपको कई जगह कॉलगर्स दिखाई देगी। यहाँ पर काफ़ी मात्रा में बार एवं क्लब्स है, जहाँ पर आपको काफ़ी टूरिस्ट देखने को मिलेंगे। युगांडा काफ़ी गरीब देश है और यहाँ के करीब 60% लोग केवल दिन के 70 रुपये तक ही कमा पाते हैं। इसके बावजूद भी यहाँ के लोग खुशी से अपना गुजारा करते हैं और काफ़ी अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं। युगांडा की ज़्यादातर इनकम खेती द्वारा होती है और पर्यटकों के लिए युगांडा हमेशा से ही काफ़ी आकर्षित केंद्र रहा है। हर साल यहाँ 10 लाख से भी ज़्यादा टूरिस्ट घूमने आते हैं। युगांडा वाइल्ड लाइफ के लिए भी काफ़ी मशहूर है। यहाँ आपको कई अलग अलग टाइप के पक्षी, गोरिल्लास एवं चिंपांजीज देखने को मिलेंगे। युगांडा के वासियों को गरीबी के अलावा भी काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगर शिक्षा की बात करें तो इस मामले में युगांडा काफ़ी पीछे है। युगांडा में पढ़ने वाले लगभग 85% बच्चे केवल 7वीं तक ही पास कर पाते हैं। लड़कियों के लिए स्कूल जाना काफ़ी कठिन होता है। यही कारण है कि यहाँ की ज़्यादातर महिलाएँ HIV रोग का शिकार होती हैं, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा केवल लड़कों के लिए ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। युगांडा में महिलाओं की काफ़ी कम उम्र में शादी हो जाती है और यहाँ की महिलाएं बच्चे पैदा करने में काफ़ी सक्षम होती है, इसलिए यहाँ की हर महिलाएं कम से कम 6 बच्चों को जन्म देती हैं। युगांडा में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए मोटरसाइकिल को टैक्सी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। युगांडा दुनिया के सबसे जवान देशों में से एक है, क्योंकि यहाँ की लगभग आधी आबादी 15 वर्ष से भी कम उम्र की है। तो दोस्तों, क्या आप कभी युगांडा गए हैं या जाने का सोच रहे हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट ही हमें इसी तरह की वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।